हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे, घर पे होंगे और सेफ होंगे। आज मैं आप सबको बताने वाली हूँ कटहल के कबाब, जो बनाना बहुत ही आसान है, झटपट बन जाती है और खाने में तो बिल्कुल लाजवाब है। तो आइए हम बनाते हैं। इसके लिए चाहिए हमें 1/2 kg कटहल, साथ में चाहिए मैंने 1 tablespoon चने की दाल ली है, और साथ में मैंने लिया है 5 जवा लहसुन, थोड़ा सा नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग और 2 सूखी लाल मिर्च। इन सारी चीज़ों को आप प्रेशर कुकर में डाल देंगे 1 कप पानी के साथ। पहले कटहल को आप अच्छे से वॉश कर लें, उसके बाद कुकर में डालें चने की दाल, सूखी लाल मिर्च और नमक, और 1 कप पानी डाल दें साथ में आप। और पानी इतना डालना है कि वो उसी में एब्जॉर्ब हो जाए, क्योंकि बॉयल होने के बाद उसमें थोड़ा भी पानी ना रहे, पानी रहे तो आप उसे निकाल दें। ये देखिए, ये इस तरह से बॉयल हो गई। बॉयल होने के बाद इसके बाद आप इसे मिक्सर ग्राइंडर में इस बॉयल किए हुए कटहल को पीस लें। पीसने के बाद ये ऐसा देखिएगा। इसके साथ हमें चाहिए 1 chopped kiwi, मीडियम ओनियन, 2 से 3 हरी मिर्च, 1/2 teaspoon गरम मसाला पाउडर, 1/2 teaspoon काली गोल मिर्च, और सारी चीज़ों को आप इस पीसे हुए कटहल में मिला दें और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें सारी चीज़ों को अच्छे से। और अगर आपको इसे थोड़ा गीला लगे तो यहाँ पे मैं एक टिप देना चाहूँगी, ये आपको लगे कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है तो यहाँ पर आप थोड़ा सा सत्तू डाल दें या थोड़ा सा बेसन, थोड़ा सा मीन्स 1 teaspoon या 1 teaspoon बेसन, जो कुछ भी आपके पास हो उसे डाल दें, और इस तरह से आप टिक्की बना लें। टिक्की बनाने के बाद ये ऐसी दिखेगी। और इसके बाद हमें ऑयल गरम करना है। मैंने यहाँ पे सरसों तेल लिया है, आप चाहें तो इसमें रिफाइन ऑयल भी ले सकते हैं। और तेल को अच्छे से गरम कर लें और इसे पहले हाई फ्लेम पे ही रखें, हाई फ्लेम पे रखें। एक साइड अच्छे से पकने के बाद हीट को आप फ्लेम को जो है आप मीडियम कर दें, स्लो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि इसे हमें बहुत अंदर तक पकाना है। तो इसे आप दोनों तरफ से अच्छे तरीके से फ्राई कर लें। ये देखिए, ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है, आप इसे बनाएं, खाएं और फिर कमेंट बॉक्स में लिखें कैसा बना था। और ये देखिए, तलने के बाद ये ऐसे लगते हैं और बस ये रेडी हैं खाने के लिए। तो प्लीज़ आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।